नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल तिवारी ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि सपने में सीधी सड़क देखना, यानी सीधा रास्ता देखना। अगर आप सपने में सीधी सड़क यानी कि सीधा रास्ता देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? तो आप सभी जानते ही होंगे कि रास्ता किसे कहते हैं। तो अगर आप सपने में रास्ता यानी कि सीधा रास्ता देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? तो स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपने में सड़क यानी कि रास्ता देखने का मतलब जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे लाल कलर के बटन को क्लिक करके आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सदस्यता ले लें, तथा घंटी को दबाना ना भूलें और हमारी पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप हमारी पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सपनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपनों को चार भागों में बांटा गया है। तो आइए हम जानते हैं कि सपनों को चार भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। पहला, 12 से 3 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल 1 साल में प्राप्त होता है। दूसरा, 3 से 5 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल 6 महीने में प्राप्त होता है। तीसरा, 5 से 6 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल 1 महीने में प्राप्त होता है। चौथा, सूर्योदय के बाद देखे जाने वाले सपनों का फल 1 सप्ताह में प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं कि सपने में सीधा रास्ता देखने का क्या मतलब होता है। तो स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपने में सीधा रास्ता देखना यह एक बहुत ही शुभ सपना है। यह सपना इस बात का संकेत करता है कि आप आगे तरक्की करेंगे। तो अगर यही सपना कोई स्त्री देखती तो उसके लिए भी बहुत ही शुभ सपना है। वह अपने कार्यों में तरक्की करेगी। अगर वह कोई बिजनेस करी तो वह बिजनेस उसका बहुत 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 लाभ होगा उस बिजनेस में, और उस बिजनेस में उसकी बहुत तरक्की होगी। तो अगर आपको ऐसे शुभ फल देने वाले सपने अगर आपको बार बार दिखाई देते हैं तो आप अपने परिवार व अपने मित्रजनों में ऐसे शुभ फल देने वाले सपनों के बारे में बिल्कुल ना बताएं। अगर आप अपने ऐसे शुभ फल देने वाले सपनों के बारे में आप अपने परिवार व अपने मित्रजनों में बता देते हैं तो आपने जो सपना देखा है उस सपने का आपको पूरा फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अपने परिवार व अपने मित्रजनों में ऐसे शुभ फल देने वाले सपनों के बारे में बिल्कुल न बताएं। और सुबह उठकर स्नान करके आप अपने इष्ट देव यानी कि आप जिस भगवान की पूजा करते हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने जो सपना देखा है उस सपने का हमें पूरा फल प्राप्त हो। ऐसा करने से आपने जो सपना देखा है उस सपने का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।